अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर मैं स्क्रंची दिखा रही हूँ, ये होममेड है, मतलब ये घर का बनाया हुआ है जो कि रिदा ने बनाया है। और जस्मीन जी गए थे बाहर तो मुझे ये चाहिए था इस तरह की टेप मशीन, ये काफ़ी हैवी है। तो खैर मुझे तो छोटी चाहिए थी लेकिन इनको बड़ी मिली तो ये बड़ी ही ले आए और काफ़ी सही रहता है। मतलब ये कि टेप बार बार काटने की सीजर से ज़रूरत नहीं होती, बस आप इसको फिक्स कर लो, इसमें टेप लगा लो सेलो टेप, और जी फिक्स करने के बाद आप इजीली उसको स्ट्रेच करो सेलो टेप को, और वहाँ पर सामने एक ब्लेड लगा हुआ होता है, आप वहाँ से कट कर सकते हैं इजीली। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये स्क्रंची मैं दिखा रही हूँ, ये दूसरे कपड़े का है। घर में एक्चुअली 2-3 कतरन पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने उसी की ही स्क्रंची बनाने के लिए दे दिया इनको कपड़ा। तो एक तो इन्होंने सिलाई लगा के बनाई थी और एक बनाया था हॉट ग्लू के साथ, जो कि मैं आपको बताऊँगी किस तरह बनाया था इन्होंने। फ्रेंड्स यासिर की आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, फीवर है उसे, कल गया था वो वैक्सीनेशन के लिए, तो जब से वहाँ से आया थोड़ा सा फीवर है, हो सकता है वैक्सीनेशन का असर हो, तो बस हमने दवाई दे दी है इसे। रात को भी हो गया था, 99 के करीब इसका फीवर था और मैंने दवाई दी थी तो उतर गया था। फिर से दोपहर सुबह देखा तो फिर से इसका फीवर बढ़ा हुआ था, तो फिर से हमने ये जो डॉक्टर ने रेकमेंड की है दवाई TE98 ये हमने दी है। और अब देखते हैं, अब तो सो रहा है कि उठने के बाद क्या टेम्परेचर है इसका। और ये हैं अनाया के कपड़े जो कि अनाया को पहने हैं शादी में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं मुंबई, मेरी बहन की बेटी की शादी है, तो 10 दिन का ट्रिप है। मैं आपको वहाँ के ब्लॉग्स दिखाऊंगी, वहाँ के वीडियोस शेयर करूंगी कि वहाँ पर शादी में हंगामे क्या क्या थे और क्या क्या खाने थे, कैसे एंजॉय किया हम लोगों ने, तो सब आपको मेरे ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स। और ये पहले तो ये मध्या का था, मध्या जब छोटी थी तो मैंने रख लिया था संभाल के, और अब ये अनाया बड़ी हो गई तो ये सेम साइज़ अनाया के आ गया, तो मुझे एक सूट मिल गया, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यही मैं पहना दूँगी। और ये सूट बनाया था मध्या के खाला ने, मुंबई से बना कर भेजा था, जब हम दुबई में रहते थे तो वहाँ पर इन्होंने भेजा था, क्योंकि वहाँ पर एक शादी हमें अटेंड करनी थी तो मुंबई से ही सूट आए थे रीदा मध्या के। और यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही हूँ कैचअप की बॉटल। और ये DIY बनाया है रीदा ने, CD पड़ी थी फालतू की मेरे पास से, काफ़ी पड़ी थी, वो तो मैंने दे दी थी, गारबेज में दे दी थी, एक दो और एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो फिर DIY बनाया रीदा ने इस तरह का। और आजकल एक्चुअली 10th के एग्ज़ाम से निपट गई हैं वो, तो काफ़ी टाइम होता है इनके पास कुछ ना कुछ करने का, तो इस तरह के ये DIY और ड्राइंग्स और अपने आप को बिजी रखती हैं। और दोपहर के खाने में मैंने बनाए थे कोफ्ते, ये कोफ्ता करी बनाई थी मैंने। और जनाब मैं बताती हूँ किस तरह स्क्रंची बनाया था। एक ग्लास ले लिया था स्टील का और उसके ऊपर हमने ये कपड़ा रखा था और बीच में रखा था इलास्टिक, और कपड़े को दोनों तरफ से ये देखिए पकड़ के हमने, जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको, दोनों तरफ से पकड़ के बीच में हॉट ग्लू लगा के चिपकाते रहे थे। ये बहुत इजी लगा था मुझे, लेकिन बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि हॉट ग्लू काफ़ी गर्म होता है, तो बहुत केयरफुली हमें करना है, इसको दबाना है, क्योंकि कई बार तो मेरी उंगली में ही लग गया था हॉट ग्लू। तो बस ये दोनों तरफ लगा के हमें और इसे स्टिक करना है आपस में कपड़े को, और बीच में इलास्टिक है, और इलास्टिक के बीच में आपने देखा होगा ग्लास रख रखा है ताकि ये सही से देखे मैनेज हो जाए, और कपड़े को ना बीच में करते रहेंगे, मतलब जो इलास्टिक हमने डाला है वो बीच में करेंगे, कपड़े को दोनों तरफ से बराबर करेंगे। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है स्क्रंची। फिर फरमाइश आ गई बच्चे की, यानी कि अनाया की, मखाने की, क्योंकि मखाने उसे काफ़ी पसंद है, तो इस समय देसी घी में मखाने को फ्राई करके मीडियम फ्लेम पर और हल्का सा नमक डाल के दे देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक देती हूँ एक को, लेकिन तीनों बहनें खाती हैं मिलके, तो बस ये जब भी मुझे झटपट कुछ बनाना होता है स्नैक्स के तौर पर तो मैं ये हेल्दी चीज़ दे देती हूँ।
और दोस्तों ये ब्रेड आई थी पड़ोस में से चांद रात वाले दिन, चांद रात को आई थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि हमसे खाई नहीं गई, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था कि इसका मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी और कुछ और चीज़ डिशेज मैंने सोच रखी थी जो कि मुझे मीठी ब्रेड से बनानी थी वो मैं बाद में बनाऊँगी। स्टार्ट करते हैं गेम। अब जैसे ये आया है ब्लू ब्लैक, तो हमें ब्लैक निकालना है लेकिन टावर नहीं कराना है, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, तो बहुत केयरफुली हमें निकाल देना है ब्लैक। ये निकाल दिया रिदाने। अब रिदाक अनाया की चांस है तो अनाया खेल देंगे। कौन सा कलर आया नया? येलो। अब अनाया को येलो निकालना है लेकिन बिना टावर को गिराए। अनाया सोच रही कौन सी एक ब्लॉक। गया 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 अब एक बच गया। यस अनाया दे दे। अब मेरा चांस है। अब मुझे मैं शायद उससे नहीं हूँ, मुझे प्लस ट्राई मतलब वाइट। अब वाइट मुझे निकालना है। फ्रेंड्स लो दे दो तो पकड़ो। निकाल गया वाइट है। ओ मामा पकड़ सकते हैं आप। और यहाँ पर खेल रही हैं अनाया और नीचे ये रीदा खेल रही हैं और ये यासिर गेम देख रहे हैं। हेलो यासिर। गेम चल रहा है बहुत सीरियस होकर रीदा खेल रही हैं गेम। मैंने टॉप कॉम्प्लिकेटेड बना दी टावर को। हाँ तो फिर निकालो कौन सा है ब्लू। तो एक ब्लॉक तो गिर गया आपका। अरे पूरा गिरना होता है, लूज नहीं गिरना। पूरा गिरना होता है। कैसे कैसे पुक करते थे? अरे जो हम निकालते एक ऑर्डर वो सब कुछ बैलेंस से करता है। ओके ओके मदि आ जाए फिर खेलेंगे हम सब। गया 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 ये इस तरह ही टावर गिर गया। तो क्या हुआ फिर इसके बाद? फ्रेंड्स रात को मैंने मेहंदी भिगो दी थी, इसमें बीट रूट पाउडर भी मिला हुआ है और हीना है। ओवरनाइट मैंने भिगो को छोड़ दिया था, अब लगाऊंगी मैं क्योंकि कल है ईद। और यहाँ ये मेरी चाय है क्योंकि मैं रोज़ा नहीं रखा है यासिर की वजह से, तो बस चाय पी के मैं मेहंदी लगाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने मेहंदी लगा ली है, अभी से मैं छोड़ दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। अभी बज रहे हैं 9:30, तो मैं 1 से 2 बजे तक मैं इसको रखूँगी और मैक्सिमम रखूँगी जितना रख सकती हूँ, उसके बाद इसे मैं वॉश कर लूँगी और शैम्पू भी लगा लूँगी क्योंकि इसके धोने के बाद थोड़े से हार्ड हो जाते हैं बाल, तो सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े सा शैम्पू लगाने से। तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि कितना अच्छा कलर आता है। फ्रेंड्स ये कोरियन फेस मास्क शीट है जो कि बच्चों ने यूज़ की थी, तो नीचे इसमें ना पैकेट में थोड़ा सीरम बच गया था, मतलब इसका जो लिक्विड होता है कोलाजन का लिक्विड वो बच गया था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था कि मुँह धोने के बाद थोड़ा सा लगा लूँगी, तो बस मैं वही अप्लाई करने जा रही हूँ। जब ये सूख जाएगा तो वॉश आउट कर लूँगी क्योंकि काफ़ी नीचे सीरम होता है शीट के साथ ही होता है, बहुत उसमें लिक्विड होता है, तो मैं फेंकती नहीं हूँ इसको, रख लेती हूँ कि इसको फेंकना ज़ाया करना बेकार है, ज़ाया नहीं कर सकते। इतने महंगे शीट्स आते हैं तो ये देखिए अंदर इसके नीचे काफ़ी ये बचा हुआ है, कोलाजन बिल्कुल नीचे है, तो मैं हाथ उसे निकाल के फेस पर लगा लूँगी। और ये मैंने मंगाई थी हस्बैंड जी से ये ब्लीच, फेस पे तो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं फेस पर लगाती ही नहीं हूँ ब्लीच, पैरों पे इस्तेमाल करूँगी। देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है क्योंकि काफ़ी सुना है मैंने कि इसको पैरों पर लगाने से एड़ियाँ जो होती हैं फटी एड़ियाँ वो थोड़ी सी हील होने लगती हैं और काफ़ी अच्छे पैर हो जाते हैं, तो मैंने कभी ट्राई किया नहीं है लेकिन फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि कितना मतलब इफ़ेक्टिव रहा इसका रिज़ल्ट। दोस्तों अभी यहाँ से सो रहा है तो अच्छा मौका है कि मैं नाश्ता कर लूँ, तो मैं अभी कर रही हूँ नाश्ता और उसके बाद यासिर को फीड कराऊँगी, उसके बाद कुछ और घर के काम निपटाऊँगी, खाना बनाऊँगी बहुत काम है, तो सोचो सबसे पहले नाश्ता कर लूँ पेट भर लूँ अपना फिर करूँगी काम।
तो ये है मेरा सिंपल सा नाश्ता, दो पापे हैं, उसमें मैंने मलाई लगा रखी है और सिंपली चाय, ये मेरा सुबह का नाश्ता। तो इसके बाद एक दो घंटे बाद फिर मैं हाफ फ्राई वगैरह अंडा दे दूँगी। ये देखिए यहाँ से अभी भी सो रहा है, लेकिन मैं इसको फीड करा दूँगी, सोते सोते ही फीड कर लेता ही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको ईद मुबारक हो। और सुबह बजे हैं 7:30 और अभी मेरी आँख खुली है क्योंकि रात भर यासिर ने इतना जगा है कि सुबह आँख नहीं खुल पाई। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैंने चढ़ा दिया है दूध शेर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी बनाऊँगी खट्टी मीठी, उसके लिए मैंने इमली भी गो दी थी रात को, अभी फूल गई है तो इसका मैं इमली की चटनी बनाऊँगी। यहाँ छुहारे मैंने भिगो कर दी थी ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसका पेस्ट बना के मैं शेर बनाऊँगी, शेर में यूज़ करूँगी। ये बादाम भिगो थे, इसको भी मैं छील कर काट लूँगी ताकि मैं शेर में डालूँ। तो बस मैं तैयारी स्टार्ट कर दी है, चाय मैंने बना ली है, देखिए चाय मैंने निकाल ली है। तो चाय पी के फिर मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँगी, फिर बच्चों को उठाऊँगी। फ्रेंड्स आज मैं इन कलरफुल वर्मीसेली का यूज़ कर रही हूँ, सिवैयों का, जो कि पाकिस्तान में बहुत मिलती है। तो मैं दुबई से लाई थी, पाकिस्तानी स्टोर था वहाँ पर, तो वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। तो आज मैं इसका यूज़ कर रही हूँ शेर बनाने में। और बड़ी क्यूट सी, देखिए अच्छी सी है, प्यारी सी लगती है, हमारे तो सिंपल मिलती है ये देखिए। तो इसको मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ दूध में, दूध में मैंने छुहारे डाल दिए हैं पीस के, अब ये डाल के और हल्के आँच पे पका लूँगी इसे। फ्रेंड्स यहाँ पे शेर देके रेडी हो रही है, मैंने इसमें जो है कलरफुल वर्मीसेली यानी कि जो रंग बिरंगी सिवैयाँ थी वो मैंने डाल दी हैं और ये पक रही है। अब थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो बंद कर दूंगी। और यहाँ दूसरे साइड में बना रही हूँ मैं खट्टी मीठी चटनी, तो ये भी रेडी है, मतलब रेडी तो नहीं है अभी, सब चीज़ें डाल दी मैंने इसमें। इमली का पल्प डाला है, चीनी डाली है और हरी चटनी जो होती है हमारे पास मौजूद वो एक चम्मच डाल दी है। बस ये तीन चीज़ें डाल के मैं इसे देखिए ठीक होने तक पकाऊँगी, वो तो बहुत पतली है। जैसे ही ठीक हो जाएगी तो फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये दो चीज़ें मेरी अभी रखी हुई हैं, बाकी चीज़ें तैयारी बाद में करूँगी। शेर रेडी हो चुके हैं, इसको ठीक करने के लिए इसको मैंने इसमें डाला है कस्टर्ड पाउडर एक चम्मच, पानी में मिला कर डाल देते तो काफ़ी ठीक हो गई। ये रेडी है, गैस बंद कर दी मैंने। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था दो चम्मच, ये भी ठीक हो गई, इसको भी ठीक कर दिया है। अब इसमें फ्लेम बंद करके और इसमें डाल रही हूँ ये इस तरह के जो मैंने सीड्स आते हैं खरबूजे के बीज, वो डाल के और छोड़ देंगे। तो एक चम्मच के करीब खरबूजे के बीज डाल दिए मैंने, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और बस हल्का सा चला लेंगे, गैस नहीं खोली, बंद कर रखिए, ये इसमें थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, गर्म है अभी चटनी। तो ये रेडी हो गई हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी, देखिए कितनी ठीक है ये, और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने किचन में ही रख रखी है चटनी खट्टी मीठी, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ कंटेनर में डाल के। और ये शीर भी अच्छे से ठंडी हो गई है, मतलब इतनी ठंडी नहीं, रूम टेम्परेचर पर आ गई है, इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और तो पहले इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी रोस्ट करके, थोड़ा सा मतलब फ्राई करके हल्के से घी में, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब ये दो चीज़ें मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने ससुराल ईद सेलिब्रेट करने, और रेडी हो गई है रीदा भी, अप्लाई कर रही है इत्र और नी, ये मदिया पीछे खड़ी है मेरे, और हम लेट हो रहे हैं। डरमा आपकी परेशानी बता रहा हूँ।